ओके, तो यहाँ के अभी जो फिलहाल जो विद्यमान जो सांसद है कपिल पाटिल जी, तो वो दूसरी बार सांसद है। इसमें से भी ये अभी के जो 5 साल है उसमें वो मंत्री भी रह चुके हैं केंद्र। उनके मतलब उनके लेवल का जो काम होना चाहिए एज ए MP, वो यहाँ पे कहीं भी आपको नज़र नहीं आएगा। यहाँ अपोजिशन में आप देखते हो तो यहाँ एक खड़े है बाला मामा करके, वो एक साल में उनके 3 या 4 पार्टी मतलब होते ही होते, बदलते ही। तो देखते हैं नीलेश जी सामने क्या, तो उन्होंने जिजाऊ संगठन के माध्यम से अभी जो पिछले 15 साल हो गए उन्होंने जो कार्य किया है वो निश्चित तरह से सराहनीय कार्य है। आदमी चुनना है, अच्छा उम्मीदवार चुनना है, तो आपको नीलेश जी सांबरे के सिवा कोई ऑप्शन भी नहीं है। यहाँ पे बहुत अच्छा उन्होंने काम किया है। मैं जनता से अपील करूँगा कि नीलेश जी सांबरे को ही चुन के लेके आइए। देश में लोकसभा चुनाव की तैयारियां हो रही हैं, जगह जगह से आपको वहाँ पे सर्वेक्षण देखने मिल रहा है, कौन जीत रहा है कौन हार रहा है इसका जो आंकलन है वो लगातार चल रहा है। हम लोग इस बीच लोगों का ओपिनियन ले रहे हैं, जो मतदाता हैं उनका ओपिनियन ले रहे हैं कि आज उनके लोकसभा क्षेत्र में उनका चॉइस वाला कौन सा कैंडिडेट है, वो किसको वोट देने वाले हैं। कहेंगे आपके लिए देश का जो विकास है जो हो रहा है उसमें, और आज जो आपके क्षेत्र का जो विकास है उसमें क्या देख रहे हैं, किस तरीके का विकास देख रहे हैं? देखा जाएगा तो एक 18वां लोकसभा का जो चुनाव होने जा रहा है हमारे यहाँ पे 20 तारीख को जो चुनाव है, ये 5 साल में एक बार ये मौका आता है आपको आपका लोक प्रतिनिधि चुनना है। उसके हिसाब से आप कहोगे तो ये सबसे बड़ा चुनाव है हर कोई राष्ट्र के लिए, और आपने यहाँ देखेंगे तो भारत के लिए। अभी हमारे यहाँ जो अभी आप देखोगे तो यहाँ के अभी जो फिलहाल जो विद्यमान जो सांसद है कपिल पाटिल जी, तो वो दूसरी बार सांसद है। इसमें से भी ये अभी के जो 5 साल है उसमें वो मंत्री भी रह चुके हैं, केंद्रीय पंचायत राज राज्य मंत्री भी रह चुके हैं, लेकिन उनका परफॉर्मेंस आप देखोगे तो वो एक गिने चुने एरिया के लिए उन्होंने शायद उनका काम अच्छा भी रहेगा, लेकिन उनके मतलब उनके लेवल का जो काम होना चाहिए एज ए MP वो यहाँ पे कहीं भी आपको नज़र नहीं आएगा। यहाँ के जो मतलब आमदार है किशन जी कतुर है, उनका काम मतलब सराहनीय है, लेकिन एज ए MP कपिल पाटिल जी का यहाँ पे कोई भी काम, उन्होंने यहाँ पे आके बताया कि मैंने ये गांव में या एरिया में कभी विजिट भी किया हो 10 साल में। कहाँ चूक गए आपको लगता है कि क्यों विजिट नहीं करते, या कोई योजना वगैरह का कोई लाभ नहीं मिलता? जो लोक संपर्क जो रहता है तो वैसा उनका कहीं नज़र नहीं आया, वो अपने ही घेरे में रह चुके हमेशा से, आप पहले से ही देखोगे अपने ही घेरे में रह चुके, उससे अलावा उनका कुछ नेटवर्क प्रस्थापित नहीं है यहाँ पे और ना ही लोगों से कुछ कनेक्ट है। और वही आप दूसरी जगह दूसरी और उनके अपोजिशन में आप देखते हो तो यहाँ एक खड़े है बाला मामा करके, वो एक साल में उनके 3 या 4 पार्टी मतलब होते ही होते, बदलते ही, तो उनका एक आप कंसिस्टेंसी उधर किधर भी नहीं है। उनके आइडियोलॉजी तो है ही नहीं उनको, जिधर उनको मौका मिले जिधर चांस मिले उधर वो चले जाते। मेरे हिसाब से अभी तक उनका ये 6वां या 7वां पार्टी रहेगा, अलग अलग एक बार रिपीट भी हुए एक एक पार्टी में, लेकिन ये फिलहाल 7वां या 8वां भी पार्टी हो सकता है उनका। वही आप अगर देखते हैं नीलेश जी सांबरे का, तो उन्होंने जिजाऊ संगठन के माध्यम से अभी जो पिछले 15 साल हो गए उन्होंने जो कार्य किया है वो निश्चित तरह से सराहनीय कार्य है। मतलब वो बचतगढ़ के औरतों को जो उनके फैसिलिटीज़ देना हो, या हॉस्पिटल्स हो या स्कूल्स हो, या के मतलब अभी वो रहते झाड़पुली करके उधर रहते हैं, वहाँ से आप कोकण के हर एक गांव में आप जाओगे तो उधर नीलेश सांबरे मालूम है। वो मतलब खुद आके भी गए, किसी भी प्रकार की मदद चाहिए किसी भी युवा को औरत को या किसी को भी, हर एक गरीब आदमी तक वो पहुँचते तो मदद वो पहुँचाते हैं। बहुत मतलब आपके हिसाब से आने वाले समय में कैंडिडेट्स जो अभी कपिल पाटिल बाला मामा और नीलेश सांबरे के बीच कंपैरिजन में कौन बेहतर है और किसको मौका मिलना? नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कपिल पाटिल हो या बाला मामा हो या नीलेश जी सांबरे हो। तो इसमें नीलेश जी सांबरे का जो कार्य है वो देखे, अगर आपको आदमी चुनना है अच्छा उम्मीदवार चुनना है तो आपको नीलेश जी सांबरे के सिवा कोई ऑप्शन भी नहीं है। यहाँ पे बहुत अच्छा उन्होंने काम किया है। मैं जनता से अपील करूँगा कि नीलेश जी सांबरे को ही चुन के लेके आइए, और बाकी किसी को मौका देने से अच्छा है कि आप नीलेश जी सांबरे को